Hello everyone. We have discussed few topics in Open Office Writer, and we are left with two topics, grammar and spell check, and next one is print preview. ये दोनों टॉपिक करने के बाद we are done with the unit Open Office Writer. Firstly, I'm going to discuss grammar and spell check. What is the meaning? What are the benefits of using it? Grammar and spell check means when you have written something in a word, if you want to check whether the statement you have written is correct or not, or the spelling you have written is correct or not, is also possible by using the feature grammar and spell check. Sometimes you have noticed that when you are writing something on in MS Word or Open Office Writer, there is a wavy sign. इस तरीके से wave sign बन के आता है, जैसे मैंने print preview लिखा, इसके नीचे इस तरीके से line बन के आ जाएगी. और ये जो wave sign बन के आ रहा है, ये दो color में appear होता है, either green और red. ये दो colors में आपके पास ये sign बन के आता है. इसका क्या मतलब है? इस अगर इस तरीके से लाइन बन के आ रही है, दैट मींस जो स्पेल चेकिंग वाला फीचर है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, मतलब ऑटो स्पेल चेक आपने ऑन किया हुआ है. इसका मतलब है जैसे जैसे आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली स्पेल चेकिंग ग्रामर चेकिंग होती जाएगी. अगर ये नहीं आ रहा, आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आपके पास एक ऑटो स्पेल चेक ऑप्शन आएगा, जिसपे ए बी सी और नीचे इस तरीके से रेड कलर की वेव साइन बन के आ रहा है, आप उसे क्लिक कर दीजिए. दैट मीन्स हमारे कुछ लिखने पर ये ऑटोमेटिकली हमारा ग्रामर और स्पेलिंग चेकिंग करे. अब हमारा ये एक्टिवेट तो हो गया, ऑप्शन हमारे पास रेडी है. जब हम कुछ लिखेंगे तो आप फील, आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से वेव साइन बन के आ रहा है, आइदर ग्रीन कलर का और रेड कलर का. क्या मतलब है? अगर ग्रीन कलर का साइन बन के आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारे जहाँ पे वो साइन सिंबल, मतलब इस तरीके से वेव साइन बन के आ रहा है, वहां पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है. ग्रामेटिकल मिस्टेक है. ग्रामेटिकल मिस्टेक मीन्स कुछ कैपिटल में लिखना था, आपने नहीं लिखा, कहीं फुल स्टॉप लगेगा, कहीं कॉमा लगेगा, तो स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक है. तो इस तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर सिस्टम ऑब्जर्व करे, तो आपके पास इस ग्रीन कलर का वेव साइन बन के आता है. और अगर हमारे पास रेड कलर का साइन इस तरीके से बन के आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम एरर रिगार्डिंग द स्पेलिंग. आपके पास कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तब ये ग्रीन कलर का वेव साइन, सॉरी रेड कलर का वेव साइन बन के आता है. सो ये हमें एक इंडिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है इज समवेयर रॉन्ग, कुछ गलत है उसमें. आइदर इट कैन बी योर ग्रामर और योर स्पेलिंग, सो यू हैव टू चेक इट. आपको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए. इसके अलावा एक चीज और है, कई बार वी आर श्योर कि हमने जो लिखा है वो ठीक है, स्टिल देयर इज अ वेव साइन अपीयरिंग, फिर भी वेव साइन आ रहा है. उसका रीजन ये है, जैसे कुछ नेम्स वगैरह होते हैं, वहां पे जनरली ये प्रॉब्लम आती है कि हमने नेम के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, स्टिल हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वेव साइन जो है आपका वो अपीयर हो रहा है. उसका मतलब है कि जो कंप्यूटर की लाइब्रेरी है, वहां पे आपके पास इस तरीके का या इस नेम का कोई भी डेटा स्टोर नहीं है, इस वजह से वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये गलत है. तो आपके लिए क्या है, या तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए, मतलब ये साइन आ रहा है, हम केयर नहीं कर रहे उसके लिए, क्योंकि प्रिंट में तो आता ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे इंडिकेशन के लिए है. सो या तो इग्नोर कीजिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके का साइन हमारे डॉक्यूमेंट में अपीयर भी नहीं होना चाहिए, हमारी सॉफ्ट कॉपी में नहीं आना चाहिए, तो आप टूल्स में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाइए, और वहां पे आप ऐड टू डिक्शनरी एक ऑप्शन आएगा, आप डिक्शनरी में ऐड कर दीजिए. फिर आप जब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे कुछ इस तरीके की चीज नहीं अपीयर हो रही. तो आप चाहे तो डिक्शनरी में ऐड कर दीजिए, और डिक्शनरी में ऐड करने से इस तरीके का साइन नहीं आएगा किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे जो वहाँ आपने लाइब्रेरी में ऐड किया. और अगर आप लाइब्रेरी में ऐड नहीं करना चाहते और ऐसे इग्नोर करना चाहते, तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज प्रिंट लेने पर आपके ये वेव साइन कभी भी आपके प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट पे नहीं आते हैं. सो दिस इज द वे
ग्रामर एंड स्पेल चेक करने के लिए ऑटो स्पेल चेक ऑप्शन है हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार में, या फिर टूल्स में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर में भी आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या काम करते हैं और हम क्यों यूज करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू आपको कहां पे मिलेगा? फाइल मेन्यू में। क्या काम है? प्रीव्यू करना, दैट मींस प्रिंट लेने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को चेक करना वेदर एवरीथिंग इज राइट और नॉट, सब कुछ ठीक है या नहीं है। क्योंकि एक पेज हो आप डायरेक्टली प्रिंट ले ले बिना प्रीव्यू देख के तो इट्स ओके, बट इफ यू हैव नंबर ऑफ पेजेस, आपके पास 20-50 पेजेस हैं और हम पहले प्रीव्यू ना देखें और कुछ एरर आ जाए तो हमारे लिए फिर वो सारे पेजेस दोबारा निकालना इज अ प्रॉब्लमेटिक और वेस्टेज ऑफ टाइम और पेपर ऑल्सो। सो इसलिए इट्स गुड टू चेक द प्रीव्यू बिफोर टेकिंग द प्रिंट। प्रिंट लेने से पहले आपको प्रीव्यू देखना चाहिए। फाइल ऑप्शन में आपके पास जहाँ पे आप प्रिंट के लिए ऑप्शन चेक करते हैं वही आपके पास प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन भी आता है। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन करने से जो भी प्रिंटिंग में आने वाला है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप ये देख सकते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है क्या वो प्रेजेंटेबल है या नहीं, कोई चीज़ हमें सेंटर में रखनी थी वो सेंटर में है या नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट मार्जिन के बाहर तो नहीं जा रहा है हमारा कोई स्टेटमेंट, या फिर हमने जो लिखा है वो हमारे मार्जिन के बाहर जा रहा है तो हमारा वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा, या फिर अननेसेसरी पेजेस तो नहीं ऐड हो गए, क्या पता कि एक लाइन की वजह से कोई अलग पेज आ रहा हो तो हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं जो हम प्रिंट प्रीव्यू लेके देख सकते हैं कि वेदर एवरीथिंग इन द डॉक्यूमेंट इज राइट और नॉट। वो क्या क्या हो सकता है? मार्जिन देख सकते हैं हम, टेक्स्ट का जो भी आपका है या फिर फॉन्ट का साइज देख सकते हैं, अलाइनमेंट देख सकते हैं आप। अलाइनमेंट के बाद आपको कुछ बोल्ड या इटैलिक करना हो या फिर मैं सिंपली कहूं तो आप फॉर्मेटिंग देख सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस देख सकते हैं आप कितने हो रहे हैं, कम या ज्यादा करने हैं आप, साइज उस हिसाब से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, और भी ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ जो हम प्रीव्यू लेके डेटा क्रॉस चेक कर सकते हैं बिफोर टेकिंग द प्रिंट कि वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट, कहीं पर रेड या ग्रीन लाइन तो नहीं आ रही, वैसे तो वो प्रिंटिंग में नहीं आएगी बट फिर भी हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा सब स्पेलिंग ठीक है या नहीं, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है कहीं पर, कितने पेजेस इंक्लूड हो रहे हैं, हेडर लगा है या हेडर और फुटर अपियर हो रहा है या नहीं। तो दैट मीन्स आपने फॉर्मेटिंग की जितनी चीज़ें अभी तक सीखी ओपन ऑफिस राइटर 1 और राइटर 2 में, जो भी आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अप्लाई किया उसका प्रिंट लेने से पहले एक बार फाइल मेन्यू में जाके प्रीव्यू देख लेना इज वेरी गुड, ताकि आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं दैट शुड बी ओके। ये ना हो कि एक बार प्रिंट लेने के बाद देयर इज समथिंग रॉन्ग तो आपको सारा डेटा दोबारा प्रिंट लेना पड़े। सो वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, वेस्टेज ऑफ पेपर ना हो, कार्टेज की ना वेस्ट हो, इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, विच इज गुड ऑप्शन। आपको फाइल मेन्यू में जाके मिलेगा, आप ये सारी चीजें क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन ऑफिस राइटर। हमने ग्रामर चेकिंग, स्पेल चेकिंग, टेबल इंसर्ट करना, ऑटो शेप्स इंसर्ट करना, पिक्चर्स इंसर्ट करना, ये सारी चीजें हमने इसमें सीखी। दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।